एंड सेकेंड टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी ओके सो लेट्स बिगिन अवर क्लास विथ रेजिस्टेंस ओके रेजिस्टेंस क्या होता है तो हमने लास्ट के वीडियो में तो ये डिस्कस किया था ओम स्लो के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है क्या होता है कांस्टेंट होता है ठीक है वहाँ पर हमने V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इस तरह का फॉर्मूला जनरेट किया था एंड V इज इक्वल्स टू आर आई हुआ था आपका एंड वेर आर इज द कॉन्स्टेंट बट आर इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑलवेज ठीक है हमेशा आर कॉन्स्टेंट नहीं होता है आर की वैल्यू चेंज होती है विथ टेम्परेचर ओके अब कैसे होती है वो हम देखते हैं ठीक है तो एक्चुअली अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करें सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Applied across ends of the conductor to the current flowing through in it. Okay, means suppose we have a conductor and this conductor is connected to a battery and battery provides potential difference. Okay, this is your potential and this is higher potential, lower potential, and in this way, current is flowing. ठीक है सपोज आई करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इन दिस कंडक्टर ठीक है मीन्स हमने एक कंडक्टर लिया एंड कंडक्टर में हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी को बैटरी का, का काम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस देना ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर को प्रोवाइड हुआ जिससे कि करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ सो so, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि रेजिस्टेंस आर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स कंडक्टर ठीक है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इन इट मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है वो ठीक है सो आर इज इक्व टू वी बाई आई क्लियर आपने आर की यूनिट के बारे में पढ़ा था आर की यूनिट क्या होती है ओम ठीक है इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं ओके नाउ आर इज इंडिपेंडेंट ये भी हमने स्टडी किया था कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई वी एंड आई जिस फॉर्मूले से आर रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है उन इफेक्ट उन एलिमेंट्स पर ये डिपेंड नहीं करता है मीन्स वी एंड आई पर डिपेंड नहीं करता है आर की वैल्यू ठीक है तो ये किस एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है तो आर इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट ऑफ और मटीरियल ठीक है मीन्स कंडक्टर किस मटीरियल का बना हुआ है कंडक्टर का क्या नेचर है नेचर पर डिपेंड करता है ओके सेकेंड डायमेंशंस पर डिपेंड करता है ओके एंड थर्ड टेम्परेचर ये सारी चीजें हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था ठीक है बट यहाँ आपको ये जो रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी आपको जान लेना है ठीक है रेजिस्टेंस के ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट है डायमेंशन अगर आप इसे लेकर चलें तो एक्चुअली रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द टू फैक्टर अगर डायमेंशंस की बात करें ज्योमेटिकल फैक्टर की बात करें तो टू फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर इज डिपेंड या फिर आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर आप इस कंडक्टर की लेंथ को एल कंसिडर कर लें सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल ओके एंड सेकेंड फैक्टर इज आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर मीन सपोज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर सो आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ए ओके इफ वी कंबाइन दिस टू इक्वेशन देन वी हैव आर इज इन आर इज प्रपोर्शनल टू द एल बाय ए एंड इफ वी रिमूव द प्रपोर्शनल साइन वी टेक अ कॉन्स्टेंट एंड रो आपने यहाँ पर रो यूज किया रो इज़ द रजिस्टिविटी ठीक है रो L टू एल बाय पर न्यू टर्म डिफाइन हुई दैट इज रेजिस्टिविटी ओके इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओके अब आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्टली आपने ये फॉर्मूला या फिर डिपेंडेंसी आर की जो डिपेंडेंसी है वो एल और ए दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड कैसे करेगी ठीक है तो रेजिस्टेंस का हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला अंडरस्टेंड किया था वहां पर डिराइव किया था वो ये था कि आर इज इक्वल्स टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए ओके आपको लास्ट के वीडियो लेक्चर्स देखना चाहिए क्योंकि लास्ट में हमने सारी चीजें डिराइव की थी ठीक है ओम स्लो में ये पूरा डिराइव किया था सो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हियर एल बाय ए ठीक है ये दिख रहा है आपको एल बाय ए तो अगर आप जियोमेट्रिकल फैक्टर्स लें तो आर की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है आर की वैल्यू ए पे डिपेंड करती है ठीक है तो ये वाला जो टर्म है ये क्या हुआ रो ठीक है रो इंटू एल बाई ए ये आपको दिख रहा है अगर आप इसे कंपेयर करें ठीक है तो रो की वैल्यू यहां से हुई एम बाई एन ई स्क्वेर टाउ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बिकॉज यहां से आपको यह पता चला कि रो इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल ठीक है रो की वैल्यू एल एंड ए पर डिपेंड नहीं करती है रो जिस फॉर्मूले से जनरेट हुआ है यहां से जनरेट हुआ ठीक है तो रो की वैल्यू क्या हुई आपके पास आर ए बाई एल बट रो इज इंडिपेंडेंट रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड ए ठीक है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रो की वैल्यू डिपेंड नहीं करती जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ पर भी डिपेंड करती है एरिया पर भी डिपेंड करती है नेचर पर भी डिपेंड करती है ठीक है तो रो को आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंडक्टर की इंटरेंसिक प्रॉपर्टी है ठीक है नेचर क्या होता है कंडक्टर का इंटरेंसिक होता है ना तो ये कंडक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी है बट रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी डिफेंड करता है एंड इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी डिफेंड करता है ठीक है बट रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ओके और को आप सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि रो जो है वो पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया में रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करता है ठीक है रो इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ठीक है मीन्स आप सिंपली बोल सकते हैं कि अगर आप इस कंडक्टर का वॉल्यूम सपोज करें तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है वन मीटर स्क्वायर एरिया लेना है एंड वन मीटर लेंथ लेना है ठीक है तो आपका ये वन मीटर क्यूब क्या हुआ वॉल्यूम हुआ वन मीटर अगर ये टोटल जो वॉल्यूम है आप टेन मीटर क्यूब ले लेते हैं इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम टेन मीटर क्यूब है और इसे हमने डिवाइड कर दिया वन मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब में ठीक है टेन टाइम्स तो वन मीटर क्यूब में जितना रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू इन वन मीटर इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वी कैन से रेजिस्टिविटी ओके आई होप क्लियर होगा ये आपको और यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से आप रो की यूनिट को मेजर करें सो यूनिट क्या हो जाएगी ओम और मीटर स्क्वायर एंड मीटर कैंसिल हो जाएगा सो so मीटर ठीक है सो ओम इंटू मीटर ये हो यूनिट ठीक है ओके आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है इसके सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है सबसे पहले तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया कि रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का ठीक है वी बाई आई होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां चेंज हो सकती है बट ओम स्लो में कॉन्स्टेंट वैल्यू थी ठीक है तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा ओम स्लो का कुछ कुछ एलिमेंट के लिए कुछ कुछ सर्किट के लिए या कुछ डिवाइसेस के लिए ही फॉलो होता है जो कि स्ट्रेट जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस देते हैं ठीक है बट यहाँ अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के वैल्यू वेरी कर रही है तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा ठीक है फिर हमने रेजिस्टेंस के टू फैक्टर्स लिए एल एंड ए दोनों की जो डिपेंडेंसी से एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई दैट इज द रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी के बारे में हमने ये सारा नॉलेज गेन कर लिया ठीक है अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ओके वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ठीक है तो हमने करंट के बारे में करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कनेक्शन का जो फॉर्मूला है वो रीड किया दैट इज आई इज इक्वल्स टू एन ई वा के नाम से मैंने बताया था आप लर्न कर सकते हैं सर ठीक है एंड ई वी डी ए नाउ इफ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ वीडी ठीक है वीडी क्या होता है ड्रिफ्ट एलोसिटी और ड्रिफ्ट एलोसिटी का फॉर्मूला हमने जनरेट किया था ई बाई एम ठीक है टाओ ई e, टाउ e, बाई एम ये फॉर्मूला जनरेट किया था तो बस इसी के प्लेस पे आप लिख दें एन ई e, यहाँ पर बी डी के प्लेस पे आप ई e लिख दें ई e, टाउ बाई एम ओके नाउ ए को आप इस साइड ले आए ठीक है सो आई बाई ए एंड हियर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई I बाई ए करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है जे करंट डेंसिटी एंड दिस इज इक्वल्स टू अभी हमने जस्ट पहले ही डिराइव किया था रो की जो वैल्यू है रो इज इक्वल्स टू होता है एम बाई एन ई स्क्वेयर टाउ सो यहाँ से वन बाय रो हुआ ये टर्म ठीक है वन बाई रो इज इक्वल्स टू ये चेंज हो जाएगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर एन ई स्क्वायर टाओ बाई एम ओके सो वन बाय रो एंड दिस इज ए ओके सो ई इज इक्वस टू रो इन टू जे इट इज द वैक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स स्लो ओके और इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू वन बाय रो को बोलते हैं सिग्मा ठीक है ये होता है कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल ठीक है न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई कंडक्टिविटी वो होता है रजिस्टिविटी मीन्स कंडक्टर में करंट का रजिस्ट करता है बट कंडक्टिविटी कंडक्टर में क्या करती है करंट को फ्लो करती है ठीक है कंडक्टिविटी करंट को फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करने के लिए सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करती है ठीक है सो दिस इज कंडक्टिविटी तो हमने ओम स्लो को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं ठीक है जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इन टू ई एंड इज इक्वल्स टू रो इन जे ठीक है नाउ अब हम सेकेंड टॉपिक आज का हमारा सेकेंड टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ठीक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगा टेम्परेचर को चेंज करने पर ठीक है टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ओके तो इसे हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल्स के बारे में समझेंगे कि मेटल्स के बारे में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो मेटल्स में पहले हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल्स टू क्या होता है एम एल बाय एन ई स्क्वा एंड रो इज इक्वल्स टू एम बाई एन ई स्क्वा ठीक है ये टू फॉर्मूलास हुआ है अब हमें ये बताइए कि मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया है टेम्परेचर को क्या किया इंक्रीज किया चेंज किया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो नहीं सकता इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी एन एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है मीन्स वन मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी कांस्टेंट हम नहीं हो सकते ये इसमें चेंज हो, हो सकता है वेरिएशन हो सकता है टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से ठीक है हेयर एल एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर ओके ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ओके okay, इतने फैक्टर्स हैं तो यहां पर एल ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चारों क्वांटिटीज क्या होंगी कांस्टेंट रहेगी ठीक है टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से इन क्वांटिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चेंज क्या हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो न, न, हो सकता है एटम्स से, से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर निकले क्योंकि एनर्जी ज़्यादा गेन करेंगे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है इंक्रीज हो सकती है ठीक है एन की वैल्यू यहाँ से अगर आप इंक्रीमेंट कर दें या इंक्रीज हो तो क्या होगा आर मीन्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एन के सो so, यहाँ से आपको ये पता चला कि आर एंड रो डिक्रीज होंगे एन के इंक्रीमेंट से आर एंड रो डिक्रीज होंगे ठीक है सेकेंड केस में हम देखते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर टाओ में क्या इफेक्ट आता है तो देखो टेम्परेचर को अगर आपने इंक्रीज़ किया है तो कोलिजन ज़्यादा होंगे कोलिजन मैक्सिमम होंगे ठीक है कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो क्या होंगे टाओ जो है रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम होगा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा जल्दी जल्दी कोलिजन कुली, करेंगे ठीक है तो यहाँ से आपको ये मिला कि ये टाउ की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर एंड रो के सो so, यर आर एंड रो विल बी इंक्रीजेस ठीक है अब हम कौन सा फैक्टर चूज करें क्योंकि तो ये दोनों ओपोज कर रहा है ठीक है तो एक्चुअली में क्या होता है मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो भरमार होती है ठीक है तो अगर आप थोड़े बहुत और भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लें ठीक है तो हार्डली टेम्परेचर के इंक्रीमेंट पर एन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है मेटल्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स और भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और भी एड हो जाए उसमें तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ठीक है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एन का ये हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है कब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो ओवरऑल ये देखा गया कि टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से मेटल्स में क्या होता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है ठीक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है तो अगर आप रो एंड टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियली तो ज़ीरो होगा फिर ये हाई होगा एंड Uh, थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट टर्म होगा ठीक है और फिर ये चेंज हो जाएगा ठीक है तो इस तरह का एक कर्व टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा फॉर द मेटल्स ओके रो एंड टेम्परेचर के बीच में नाउ अब मुझे ये बताना कि सपोज uh, आपने जीरो डिग्री सेल्सियस मीन्स इनिशियली टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया इनिशियली टेम्परेचर क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पर आपने रेजिस्टेंस को आर नॉट रखा ठीक है बट कुछ टेम्परेचर दिया टेम्परेचर का इंक्रीमेंट किया सपोज टी डिग्री सेल्सियस दिया तो रेजिस्टेंस हो गया आर टी ओके इनिशियली टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को आर नॉट कंसिडर कर लिया एंड टेम्परेचर में इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर चेंज इन टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर टी हुई ठीक है देन रिलेशन बिटवीन द रजिस्टेंसेस क्या होगा आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी ठीक है ये रिलेशन होता है रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल रेजिस्टेंस में ठीक है हियर अल्फा इज द कॉन्स्टेंट टर्म ठीक है ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर को एफिशेंट मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रेजिस्टेंस ठीक है मीन्स यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू को ले सो अल्फ़ा जीक्वस टू क्या होगा आर टी माइनस आर नॉट ठीक है डिवाइडेड बाय आर नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है आर नॉट यहाँ अल्फ़ा डेल्टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सो आर नाट डेल टी ठीक है सो अल्फ़ा की वैल्यू आपको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं ठीक है सिमिलरली फॉर द रो ठीक है सिमिलरली आप रेजिस्टिविटी के लिए भी ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्यों क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है आर इज इक्वल टू रो ए सॉरी रो एल बाई ए ठीक है तो आर टी के प्लेस पे हमने रो टी ले लिया ठीक है कंडक्टर तो सेम ही है मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ तो सेम ही है ठीक है यहाँ आर नोट के प्लेस पे हमने रो नोट इंटू एल बाई ए ले लिया ठीक है वन प्लस अल्फ़ा डेल टी ये हुआ ओके नाउ एल बाई ए एल बाई ए कैंसिल आउट सो रो टी इज इक्वल्स टू रो नोट वन प्लस अल्फा डेल सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के लिए सेम इक्वेशन होगा ओके दिस इज फॉर मेटल नाउ हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए टेम्परेचर में चेंज देखते हैं ठीक है टेम्परेचर चेंज करने पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है ओके सो सेकंड फॉर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर को इंक्रीज किया आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया दैन आर एंड रो की कौन सी वैल्यू चेंज होगी यस टाउ विल बी चेंज ठीक है टाउ चेंज होगा तो टाउ क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है टेम्परेचर में चेंज करने पर हमेशा रिलैक्सेशन टाइम कम ही हो जाता है सो टाउ विल बी डिक्रीजेस एंड रो एंड आर विल बी इंक्रीज ठीक है ये हुआ ये कंडीशन हुई सेकेंड कंडीशन में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज़ होगा ठीक है ये इंक्रीज़ हुआ इसका मतलब रो एंड आर विल बी डिक्रीजेस अब यहाँ सा फैक्टर आप चूज़ करेंगे कौन सा अप्लाई होगा तो एक्चुअली में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स बोल सकते हैं सेमी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स होते हैं तो यहाँ टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम जो है वो उसकी जो वैल्यू है इज़ मोर लेस देन एज कंपेयर टू द एन सो हियर विल बी एन इज़ कंसिडर्ड ठीक है एन को हम कंसिडर करेंगे सेमी के केस में सो so, ओवरऑल ये डिस्कशन निकला कि एंड की टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पर रो एंड आर विल बी डिक्रीजेस इन सेमीकंडक्टर ठीक है सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें रो एंड टेम्परेचर में तो इस तरह से डिक्रीमेंट का ग्राफ आपको शो करना होगा ठीक है नाउ थर्ड है फॉर सम अलॉयज ठीक है अलॉयज किससे बने होते हैं मेटल्स से ठीक है मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके हम अलोइ बनाते हैं तो कुछ अलोइज जैसे निक्रोम हैं मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन ये ऐसे एलोइज हैं जिनके टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर टेम्परेचर को क्या किया इंक्रीज किया देन रो मीन्स रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है मीन्स ये जो दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं ये नियरली क्या होते हैं कॉन्स्टेंट या फिर ज़ीरो ठीक है इनमें जो चेंज होता है वो नहीं होता है नियरली और कॉन्स्टेंट रहते हैं तो सो कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी के लिए हम अलोइ का यूज़ करते हैं ठीक है ये अलोइज आप क्यों बनाते हैं क्योंकि जैसे लैब में अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिनका रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी चेंज ना हो टेम्परेचर के साथ क्योंकि अगर आप कोई भी वायर लेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ठीक है हीट होगी उसमें प्रोड्यूस हीट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो हीट प्रोड्यूस हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एंड देन क्या होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा चेंज हो सकते हैं ठीक है मैं एलोइ जो हैं वो मेटल के बने होते हैं तो मेटल की जो कंडक्टिविटी है या फिर मेटल की रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है हाई होती है ठीक है इंक्रीज होती है तो यहाँ आर एंड रो इंक्रीज हो सकते हैं ठीक है थीके? काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज होते हैं तो हम सपोज करते हैं अप्रोक्स की इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ठीक है इसीलिए हम लेब में अगर आपको ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो हम अलोइ के रूप में निक्रोम मैग्निन एंड कांस्टेंट का यूज करते हैं ठीक है अब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कैसे करें ठीक है सो रो एंड ठीक है टेम्परेचर के बीच में ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा कांस्टेंट ठीक है इनिशियली तो जीरो होगा एंड देन कांस्टेंट होगा आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं ठीक है थीके? हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के लिए मेटल सेमी एंड एलोइ के बारे में ये चीज़ें स्टडी की मेटल्स में हमने क्या स्टडी किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है एंड सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाते हैं टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ एंड हलोइ में नियरली अनअफेक्टेड होता है ठीक है सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे सो स्टेड विथ एन पी सी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच